भैया, अभी आधार कार्ड को अपडेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी लास्ट डेट है आपका 14 जून 2024 तक। अभी फ्री में आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद में करोगे तो 50 रुपया लग जाएगा। अपने से खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हो, या फिर कोई आधार का कोई सेंटर पर चले जाइए, वहाँ पर आपको अपडेट कर देगा और वहाँ पर जो है ना आपको 50 रुपया लग जाएगा। करना है तो घर से बैठे बैठे UIDAI के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आधार का, वहाँ से कर सकते हो फ्री में। ये आधार कार्ड एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो अभी जो आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है, तो उसमें सरकार ने बताया है कि भाई आप उसको अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि 10 साल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने आधार में अपना एड्रेस और एड्रेस चेंज किया होगा। कभी यहाँ रह रहे होंगे, कभी किसी दूसरे सिटी में चल गए होंगे। तो जो भी एड्रेस है आप अपना चेंज करवा सकते हैं। कुछ करना नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, खाली अपडेट कर देना है, उसका डॉक्यूमेंट डाल देना है, अपडेट हो जाएगा। करना जो है आपका प्राइवेसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके सिक्योरिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पर हमारा आधार लिंक है, पैन कार्ड हो, बैंक हो, सब जगह है। तो आपके सिक्योरिटी के लिए, पैसा सुरक्षा रखने के लिए ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। 10 साल से ज़्यादा पुराना आधार कार्ड हो गया है तो उसको अपडेट करवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं भी करवाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। आपका जो PVC कार्ड बना हुआ है आधार कार्ड का, जो आपने बनवाया हुआ है, वो भी वैलिड रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन करवा लीजिएगा, अपडेट रहिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। 14 जून 2024 के बाद अगर करवाइएगा या अपने खुद से भी कीजिएगा तो 50 रुपया आपको उसमें लग जाएगा। अभी फ्री है, 14 जून तक फ्री में करवाइए ऑनलाइन। पहले भी सरकार ने आपको एक डेडलाइन दिया था अपडेट करने का, 15 दिसंबर 2023 तक, फिर 6 महीना का डेट बढ़ा के अभी 14 जून कर दिया गया है। इसका फ़ायदा उठा लीजिए। इससे ऑनलाइन कर सकते हो या फिजिकली किसी CSC सेंटर में चले जाइए, आधार सेंटर में चले जाइए, वहाँ 50 रुपया लेगा, आपका कर देगा। इसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। UIDAI के वेबसाइट पर जाना है आपको, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन कर क्लिक करके खोल लेना है, UIDAI.gov.in। के बाद अपडेट आधार जो है इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ देखिए, अब यहाँ पर देखिए अपडेट एड्रेस इन योर आधार लिख रहा है ना, अपडेट एड्रेस इन योर आधार क्लिक कर देना है। डॉक्यूमेंट अपडेट है, खाली डॉक्यूमेंट डालने का मतलब है यहाँ पर, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, ये सब डालना है आपको बस, ठीक है। वोटर आईडी है, कार्ड डाल कर लीजिएगा। देखिए 14/6/2024 तक वैलिड, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, इसको क्लिक करना है यहाँ पर। और यहाँ देखिए व्हाट टू सबमिट, कौन से सबमिट करना है, तो ये सब डॉक्यूमेंट आप कोई भी एक डाल सकते हो, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, गवर्नमेंट इशू आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपके पास है वो डाल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे सबमिट करना है, तो वीडियो गाइड है, इसको भी क्लिक कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, या फिर यहाँ से आप सबमिट कर सकते हो, क्लिक टू सबमिट को क्लिक कर दीजिए। ये अभी साइट जो है ना थोड़ा देर पहले खुला था, लेकिन अभी थोड़ा दिक्कत हो गया, बहुत सारे लोग अपडेट कर रहे होंगे, शायद उसके चलते ट्रैफिक है, इसलिए शायद दिक्कत हो रहा हो। तो ये जो है ना, इस साइट को खोलना है आपको, ये खुल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगर दिन में नहीं खुलता है तो रात में खोल लीजिएगा। इसी पर जाके आपको कुछ नहीं करना है, जाके आधार नंबर डालना है और आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो डाल के लॉगिन कर लेना है। और फिर अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ और एड्रेस का आइडेंटिटी प्रूफ डालना है बस, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, आप काम हो जाएगा आपका। तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हो जाता, जनरली हो जाता है। अभी थोड़ा देर पहले ही किए हैं, हो गया है, अभी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं है इसके बाद, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी समस्या हो तो वीडियो गाइड इसको जरूर देख लीजिए, इसमें सब कुछ बताया गया है कैसे कैसे अपडेट करना है। और यहाँ क्लिक टू सबमिट कीजिएगा ना, तो आधार कार्ड मांगेगा, आधार कार्ड का नंबर और मोबाइल नंबर पे एक OTP कोड आएगा, जब आप सबमिट करोगे आधार कार्ड, कैप्चा कोड रहेगा, और OTP डाल के आगे बढ़ के है, डॉक्यूमेंट खाली अपडेट कर देना है, बस इतना ही करना है आपको, हो जाएगा काम आपका। ये आज तक अगर आपने अपडेट नहीं करवाया है 10 साल में, तो आज अपडेट कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है, अच्छा रहेगा। ये कुछ ट्रैफिक के चलते हो सकता है समस्या, इसलिए नहीं हो रहा, अभी थोड़ा पहले खुला था, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप समझ गए होंगे। बेसिकली एक मतलब ये है ना कि हमको अपडेट करना है आधार, उसमें बताना है सरकार को कि भाई सब कुछ हमारा सही है, आप हमारा नाम सही है, हमारा डेट ऑफ बर्थ सही है, हमारा एड्रेस सही है, और कोई भी दिक्कत है तो उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, उस जो है ना वो आधार वाले उसको सही कर देंगे। अपडेट करने का मतलब यही होता है, क्योंकि 10 साल में बहुत सारे लोगों ने इधर से उधर गए होंगे, कोई पटना से दिल्ली गया और दिल्ली से मुंबई, एड्रेस चेंज हो गया होगा, तो वही अपडेट करने के लिए बोल रहा है, और कुछ नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ऑनलाइन नहीं करने आता है तो 50 रुपये लगा के आप CSC में या आधार सेंटर में करवा लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है, हो जाएगा आपका। तो आओ कोनो क्वेश्चन बा तो कमेंट करी, हम वीडियो बनाओ। धन्यवाद।